टाइम ऐसी कोई फिल्म बनेगी भोजपुरी में, और वेल डिजर्व्ड फॉर आवर लैंग्वेज. अभी हाई टाइम है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में. सो आई एम वेरी हैप्पी. तो दिनेश जी के लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लुक को लेकर लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया है, उनका जो लुक नज़र आ रहा है अभी. जी आई थिंक बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत जच रहे हैं दिनेश जी. पूरा काजल वाजल लगा के उन्होंने एक डिफरेंट लुक लिया है, एक वॉरियर का लुक लिया है पिक्चर में, जो कि उन पर बहुत सूट कर रहा है. एंड मैं फर्स्ट टाइम दिनेश जी को ऐसे कपड़ों में देख रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर. और आप किस तरह के किरदार में इस फिल्म में नज़र आएंगे? एक राजकुमारी का रोल है मेरा, और वो भी एक फाइटर ही है बेसिकली, ऐसा एक कैरेक्टर है. तो कल हम लोग कल से शूट करेंगे, अभी तक मैंने शूट किया नहीं है. हालांकि हम लोग ने स्क्रीन टेस्ट्स और लुक टेस्ट्स, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स सब कर लिए हैं, बस शूट अब कल से करने जा रहे हैं. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द लुक. आई थिंक ऐसे राजकुमारी और महारानी ये सब वाला टाइप का पहली बार करने जा रही हूँ. खैर अंदर से तो मेरे अंदर है रानी, लेकिन एक स्क्रीन पे पहली बार प्ले करने जा रही हूँ. तो फाइटर करने वाली है तो कितना कुछ आपने कभी ऐसा बचपन में भी लोग किया कहते तो कैसा कभी आपने किया फाइटर? आई थिंक अभी तक नहीं किया. मैंने हॉर्स राइडिंग थोड़ा समय सीखी थी, बट अभी तो हम खाली मॉक शूट कर रहे हैं इसका. जब हम लोग फ्लोर पर जाएंगे उससे पहले आई विल टेक एटलीस्ट 3 months ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग क्लासेस. और क्योंकि अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो वो स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखेगा, उसके लिए प्रॉपर वर्कशॉप करना पड़ेगा मुझे. और मैं उस समय कोई फिल्म्स करने की बजाय अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा बेटर समझूंगी. आई वुड लव टू लर्न हॉर्स राइडिंग मोर एफिशिएंटली एंड स्वॉर्ड फाइटिंग वेरी नाइसली, तो मैं उस पर फोकस करूँगी. तो फाइटिंग और हॉर्स राइडिंग में कुछ चैलेंजिंग नहीं लग रहा आपको कहीं? चैलेंजिंग तो है, बदन अगर कुछ इतना बड़ा करना है तो थोड़ी मुश्किल तो उठानी पड़ेगी. और कई लड़कियां करती हैं, आई हैव सीन मैनी गर्ल्स डू इट. अगर वो सब कर सकती हैं तो मुझे भी करना चाहिए और मैं करूँगी. आपने बताया अभी दिनेश का बिल्कुल डिफरेंट लुक है, आप पसंद कर रहे हैं ऐसा. आपने 2 दर्जन फिल्में की उनके साथ जी, कौन सा ऐसा लुक है जो बिल्कुल पसंद नहीं किया आपने? बिल्कुल पसंद नहीं किया, हाँ. आई थिंक फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें मुझे दिनेश जी का लुक पसंद नहीं आया. आशिक आवारा में वो क्लीन शेव जब रहते हैं दिनेश जी, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. पता नहीं क्यों से लगता, एकदम कुछ अजीब से हो गए हैं. तो क्लीन शेव लुक मुझे उनका बिल्कुल पसंद नहीं आया. हेट इट.